करेंगे छत्तीसगढ़ के जहां पर प्रदेश में आने वाले एक साल के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इससे लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां ने पद यात्रा के जरिए आम लोगों से मेलजोल बढ़ाना शुरू कर दिया है। बीजेपी द्वारा जन आंदोलन यात्रा की शुरुआत राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में की गई है। पद यात्रा डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम छपारा से शुरू होकर ग्राम कलकसा में समाप्त हुई है। कुल 15 किलोमीटर की पदयात्रा में डोंगरगढ़ से बीजेपी के पूर्व विधायक रामजी भारती, विनोद खांडेकर, सरोजनी बंजारे सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। पदयात्रा का ग्रामीणों द्वारा जगह जगह भव्य स्वागत किया गया है। ग्राम कलकसा में पदयात्रा का समापन हुआ है और इस दौरान आयोजित आम सभा में नेताओं ने कांग्रेस के 4 साल के कार्यकाल की कमियों को उजागर करते हुए अपील की है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में निकम्मी कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकना है। हम लोग यहां पर डोंगरगढ़ विधानसभा के विभिन्न सड़कों का निर्माण, चाहे जो सड़क हमारे कार्यकाल में बनी है उनकी पेचवर्क तक सरकार नहीं करा पा रही है। पूर्ण स्वराम बदनी को उन्होंने घोषणा किया था वो नहीं बंद हुई है। उन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने के बाद की वो नहीं हुई है। प्रधानमंत्री आवास को उन्होंने बंद कर दिया और विभिन्न मुद्दों को लेकर हम लोगों ने एक दिवसीय 14 किलोमीटर की यात्रा ग्राम छपारा से हमारे सांसद, हमारे पूर्व सांसद और सभी जनप्रतिनिधियों के उपस्थिति में हम लोगों ने निकाला है। नहीं, अभी तो हमने योजना बनाई है कि जितनी भी सड़कें खराब है वहाँ पर पदयात्रा करेंगे। अब कांग्रेस जो यात्रा निकाली है वो वोट जोड़ो यात्रा है और हमने जो यात्रा निकाली है लोगों की समस्याओं को दूर करो यात्रा है। हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि ये जो सड़कें खराब है उसको ठीक करिए। इस यात्रा में और उस यात्रा में फ़र्क है।